डीजल लोको शेड अर्नाकुलम केरल में स्थित है और इस सदर्न रेलवे जोन के अंदर है और इसका डिपो कोड है ERS। इसके रोलिंग स्टॉक जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं वह WDM-3A की बात करेंगे, WDM-3A 1455। ये ERS जो था 1981 को खोला गया था। इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो स्टीम लोकोमोटिव 1970 के दशक के अंत तक यहाँ पर ERS में कोल्लम, QLN और शोरानूर SRR दो शेड स्टीम लोकोमोटिव के थे। सन 1985 तक भारतीय रेलवे ने सारे स्टीम को खत्म करने की ठान रखी थी और दक्षिण रेलवे द्वारा सभी स्टीम लोकोमोटिव को संचालन को समाप्त करने की डेडलाइन भी यही थी 1985 को। डीजल को प्राथमिक मकसद शक्ति के रूप में स्थापित करना था कि अब इसके बाद डीजल को ही लाना था, इसलिए डीजल की रख रखाव बनावट इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया और अर्नाकुलम डीजल लोकोमोटिव शेड की स्थापना 1981 में की गई ताकि ये सभी रेल की जरूरत को पूरा करे। अर्नाकुलम और इसके बाद SRR शोरानूर और QLN के स्टीम शेड को भी बंद कर दिया गया था। प्रारंभ में ERS के पास WDM-2 और WDS-6 S4 शंटिंग इंजन ये लोको आए थे। धीरे धीरे WDM-3AS WDM-3AS आवंटित किए गए थे। थोड़ी समय बाद ERS में रखा जाने वाला पहला लोको जो था WDS-6 था जिसका रोड नंबर था 36012। इसी के क्रम के अंदर आज हम इसी लोको की बात करें। ये बहुत ही खूबसूरत लोको है और बीकानेर में काफी समय बाद आया। सभी लोकोमोटिव की ERS जो अर्नाकुलम शेड है लोकोमोटिव शेड की तरह ERS इंजनों की पेंटिंग, धुलाई और नियमित रखरखाव की और हाल और मरम्मत भी ERS करता है। ERS ने ईरोड ईडी इंडियन रेलवे डीजल लोको शेड को अपने इंजनों को अनोखी और अनूठी लिवरी, यूनिक लिवरी को रखने के लिए हरेक के पास अलग अलग अनुमति है और हर शेड अपने इच्छा के अनुसार अपना एक कोई भी लिवरी पसंद करके उसको बनाता है। तो अर्नाकुलम के लोकोमोटिव में इनकी जो वर्तमान जो लिवरी है यही बहुत खूबसूरत है, जैसा कि नारंगी रंग आपको दिखाई दे रहा है। इसके मध्य के चारों ओर एक विस्तृत क्रीम बैंड है जिसके ऊपर और नीचे नारंगी रेखाएं जो राजधानी के जो लिवरी थी उसके साथ ये पहले मेच दिखाया करती थी, उससे मिलाप करती थी। इस लिवरी को त्रिवेंद्रम राजधानी से यूज खूब किया गया था।